हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन, और मैं हूं आपका अर्जुन। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। और मिल लो मम्मी से, हेलो बोल दो। मेरी मेरी चुड़ैल बहन, हेलो बोल दे। तो गाइस, अभी का स्टेटस ये है कि आज ये थोड़ा सा मोटो ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मेरे को अपनी स्कूटी का पीछे वाला टायर नया डलवाना है, क्योंकि जो पीछे वाला टायर है ना वो एकदम ही खत्म हो चुका है। उसमें मैं बस हवा भरा भरा के चला रहा हूँ, इतने उसमें पंचर निकल रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसमें नया टायर लगवाने, तो मिलता हूँ आपसे मोटो ब्लॉग में। तो गाइस, ये रही मेरी स्कूटी, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके पीछे का टायर का हाल ये देखो, बिल्कुल ही ख़त्म है। यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो कितना बैठा हुआ है नीचे। तो अभी यही है, मैं मतलब इसको ऐसे ही चला रहा हूँ, एक दिन टायर में हवा भरवा ली और वो एक ही दिन चलता है, फिर से फुस हो जाता। तो अब चल रहे हैं नया टायर डलवाने इसमें। और पता है, इतनी पीछे करने में भी इतनी जान लगती है अब स्कूटी में, क्या बताऊँ। कोई नहीं, पहले एक जगह से ना इस पर हवा भरवानी पड़ेगी, उसके बाद लेके जाना पड़ेगा इसको टायर चेंज कराने वाली दुकान पे। अंकल हवा भर दो पीछे वाले टायर में, पंचर हो रखा है ना। टायर मिल जाएगा इसका? अच्छा है नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। इसका वो कहाँ है? इसमें कुछ कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं चेंज ही करवा रहा हूँ। ये रहा, इधर इधर से भर दो, पीछे कर दो हल्की सी। ये लो, कहाँ गई, ज्यादा पीछे चला गया। और करूं? बस इतना कर दो कि 2-3 किलोमीटर चल जाए, मैं नया टायर डलवाना है इसमें। हाँ आ रही है ऊपर जा रहा टायर। और भर दो यार थोड़ी सी, बस चलो रहन दो, दब तो नहीं रहा ना, हल्का हल्का तो दब ही रहा है। बट कोई नहीं गाइस, अभी इसमें इतनी हवा भरवा ली कि ये दुकान तक चले जाएगा। कितने करने हैं? ले लो। हाँ देखो, अब इजीली पीछे भी जा रही है स्कूटी, वरना टायर पंचर होता ना, स्कूटी आगे पीछे करने में भी हालत ख़राब हो जाती है। तो गाइस, आपको कभी भी पता करना हो ना, या आपको डाउट हो कि टायर पंचर हो रखा है, तो बस वो वैसे ही पता होगा कि जब भी आप स्कूटी मोड़ोगे ना, तो स्कूटी थोड़ी भारी भारी लगेगी। आगे वाला टायर तो देखो बहुत कम पंचर होता है, मेन पीछे वाला ही होता है। बाकी गाइस, अपने कज़िन के पास जा रहा हूँ मैं, उसने हाल फिलहाल ही ना अपनी स्कूटी में टायर चेंज करवाए थे, तो उसको दुकान एक पता है। तो मैंने कहा ठीक है चलो वहीं चलते हैं, वहीं से चेंज करवा लेंगे मेरे स्कूटी का टायर भी। और भाई ठंड बहुत हो रही है, अब तो ऐसा लग रहा है 2024 आ गया, लेकिन सूरज 2023 वही रह गया, दिखता ही नहीं। मेरा कज़न कह रहा था नीचे ही हूँ। आइए, लेके चल अपनी बुलेट, लेके चल अपनी बुलेट, कह रहा अभी तो धोई है यार। क्या हाल है? बढ़िया। चल यार फटाफट, टायर मेरा हवा निकल जाएगी उसकी सारी। बंदा आगे आगे चल, पीछे आ रहा हूँ मैं, चल। तो गाइस, अब जा रहे हैं हम उस शॉप के पास जहाँ पे हमने टायर चेंज करवाना है, इसी को पता। ओए ये कैसी बात करी इसकी बुलेट। हाँ हाँ धीरे ही चल रहा हूँ, इसको याद आ गया पीछे से वीडियो बन रही है, घर वाले देखेंगे, धीरे धीरे चलाओ। एक तो यार ये बुलेट ना वो उधर इतनी दूर चला रहा है, लेकिन इसकी साइलेंसर की हवा ना मेरे मुंह तक आ रही है। इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं देने जहाँ भी मुड़ना। अंकल यार बीच में आ रहे हो अब भी, कौन से रास्तों से लेके जा रहा पता नहीं मेरे को। गाइस ऐसा लग रहा है ये टायर वाले की दुकान में कम लेके जा रहा है, घुमा ज़्यादा रहा है मेरे को। कौन सी जगह जाना है? ओके 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 भाई, आप मुड़ रहे हो, इंडिकेटर नहीं दे रहे, गलत बात है भाई। कह रहा छपरी बुलेट सरदार मैसिंग विद मी, टाइटल रख दूंगा ये इस वीडियो का, नाइस। ओए ओए
बड़ा ही दिमाग है तेरे में तो। मैं हर बैटरी वाले रिक्शे को नहीं कहता ऐसे होते हैं, बट कुछ ही ऐसे ही होते हैं जहाँ मन करा तब मोड़ ली। एक तो इन पे मिरर्स भी नहीं होते। अभी बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता वो तो बस ये है कि नहीं हुआ टच वुड। और ठंड का टाइम है, चोटें लगती भी ऐसी है ना कि क्या बताऊँ। पाजी कहाँ गई आपकी जान पहचान? दुकानें बंद है पीछे, दुकान खुली तो है एक। हाँ उससे पूछ कर आते हैं या आगे देख ले, आगे भी तो है जेके टायर कुछ, आ जाए और पता कर लेते हैं। सी एट के है ये तो, अलाइनमेंट हो रही है। आ इससे पूछ लेते हैं। ये वाला टायर पूरा खत्म हो गया ना भैया? गया पुराना टायर मेरा, देखो अब इससे प्राइस आपको बाद में बताएंगे हम, लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो मैंने कहा यही ले लेते हैं। और ये मशीन से चढ़ेगा इसको, जब भी नया टायर लगाओ तो उसमें लीकेज वगैरह चेक कर लिया करो। हो गया 5 मिनट का काम था। ये वाला टायर ले ले, क्या करना कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ले 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 रबड़ कबाड़िया तो कुछ नहीं होगा। और फिर देख रहा है टायर घर पे रखा हो, सोच रहा टायर टायर रख के मैं टेबल बनाऊंगा बड़ा मेरे पास समझ लिया ले ले क्या करेंगे पर। चलो गाइस लगवा लिया टायर। ओ भाई साहब अब तो स्कूटी बहुत ऊंची ऊंची सी लग रही है। अबे पीछे से स्कूटी ज्यादा ऊपर लग रही है अब। सुन यहाँ से चल अंदर से। गाइस नया टायर लगा लिया और अब स्कूटी इतनी ऊंची लग रही है ना मेरे को, क्या बताऊँ। एक तो ये मेरा स्कूटी ना आजकल खर्चा बहुत करवा रही है, और जब भी मैं इसको खुलवाता हूँ मेरी मम्मी वीडियो देखती नहीं, वो व्लॉग ही नहीं देखती। मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है कि यार स्कूटी खुलवाता रहता है ये, बट क्या बताऊँ भाई ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, सर्विस होंगी या फिर टायर वायर चेंज होगा तब तो खुलना पड़ेगा ही ना। तो गाइस टायर तो चेंज करवा लिया स्कूटी का, थोड़ा पेट्रोल भी भरवा लेते हैं, फ्यूल एम्प्टी पे चल रही है स्कूटी। ज
जाम से निकलने का इजी तरीका, पावन अच्छा लगवा लो और बजा के निकलते रहो। बाकी गाइस एक बार पेट्रोल भरवा लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने टायर कितने का लगवाया। भैया 400 का कर दो, 410। हाँ ले लो, ठीक है भैया। कुछ टाइम पहले कह रहे थे पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल रहा था। अच्छा दिल्ली में नहीं था। चार सौ दस हो गया भैया, हो गया हो गया। स्कैनर दिखा देना। ये लो भैया, ठीक है, थैंक यू। चार बार आ गए ना बस, ठीक है। ट्रिप भी कर देते हैं अब, जीरो हो गई। चलो एक बार ना आपको रुक के पहले मैं टायर दिखाता हूँ कि टायर देखो, जो मेरा पुराना टायर है ना उससे भी ज़्यादा वाइड है ये। ओह रुकूँ टायर की बात करूँ और सामने टायर की शॉप है, नाइस। ये देखो ये है टायर C8 का, और देखो नया नया टायर कितना बढ़िया लग रहा है। और ये उससे ज़्यादा वाइड है, जो मेरे पे पुराना टायर था ना नाप के मैंने देखा था, तो ज़्यादा चौड़ा है, और ज़्यादा चौड़ा टायर अच्छा है, स्टेबिलिटी सही रहेगी रोड पे। बाकी जो चलाने के साथ ही मैं फील कर रहा हूँ कि स्कूटी ऊंची ऊंची सी लग रही है और स्टेबिलिटी अच्छी हो गई है, जो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। स्टेबिलिटी तो बहुत ही बढ़िया हो गई है, देखो देखा पहले ही बताया था, सीधा जाओ अपना रेस देते हुए हॉर्न बजाते हुए, जितने भी बंदे होंगे खुद ही रुक जाएंगे। बाकी यार एक चीज़ कहूँगा, टायर चेंज करवाने के बाद से ना ग्रिप तो बहुत ही बढ़िया हो गई है स्कूटी की, एकदम मतलब रोड को पकड़ के चल रही है। वो ये टायर ज़्यादा थोड़ा सा वाइड है। ठीक है चलो अब बात करते हैं कि ये टायर वो कितने का पड़ा। गाइस देखो जो मेरा पुराना टायर था ना इसकी क्वालिटी उससे भी बढ़िया है, और ये C8 का है और ये ना उससे ज़्यादा चौड़ा है। तो ये जो पुराना टायर था ना वो DVS का ओरिजिनल था, वो भी मैंने चेंज करवाया था, उसकी वीडियो में डाल दूँगा अंदर आई बटन पे, तो वो भी मैंने चेंज करवाया था। तो वो मेरे को 2000 का पड़ा था ओरिजिनल TVS का, और ये जो था ये अंकल 2200 का कह रहे थे ये वाला टायर, बट करते कराते ये भी मैं 2000 पे ले आया, तो ये मेरे को 2000 का पड़ा है। लेकिन यही है कि 2000 के हिसाब से वर्थ इट है, एकदम चौड़ा टायर है, और जैसे मैं स्कूटी चलाते वक्त भी फील कर रहा हूँ ना ग्रिप बहुत अच्छी बन रही है इसकी रोड पे। बाकी गाइस अब जा रहा हूँ मैं घर, और ये था ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।